दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों स्वागत है आपका एक्स मनाना यूट्यूब चैनल में और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरिकल का जो डिजिटल लॉगिन एडिशन वाला सेटअप है 3.18 इसे इंस्टॉल करने में कई लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, जो कि मुझे व्हाट्सएप पे मतलब मैसेज कर रहा है कि भाई प्रॉब्लम आ रहा है और इंस्टॉल नहीं हो रहा है। हम लोग जो है बार बार कंप्यूटर को फॉर्मेट करके भी इंस्टॉल कर चुके हैं लेकिन इंस्टॉल नहीं हो रहा है 3.18, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो इसका जो पुराना वाला जो वर्जन है ना 3.17, ठीक है, तो वो आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होगा और अगर मान के चलिए आपने रिमूव कर दिया है गलती से तो आप उसे दोबारा इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पुराना वाला इंस्टॉल रहेगा उसके ऊपर में ही आपको जो है चलाना। अब यहाँ देखते हैं 3.17 मैंने दोबारा इंस्टॉल कर दिया है क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा था इस वजह से, तो मैंने पुराना वाला जो ओल्ड वर्जन सेटअप है 3.17 उसे मैंने दोबारा इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद अब इसी के ऊपर में हम 3.18 चलाएंगे, ठीक है, यानी पुराने वाले को हम रिमूव नहीं करेंगे और नए वाले को जो 3.18 को चलाएंगे इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, मैं बहुत ही तेजी से आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो को स्पीड बढ़ा करके आपको दिखा रहा हूँ इंस्टॉल करके, ठीक है, नहीं तो अगर मैं नॉर्मल अगर स्पीड में अगर आपको दिखाता तो ये वीडियो कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट तक का हो जाता है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो का स्पीड बढ़ा करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे और 3.18 को मैं इंस्टॉल करके आपको दिखा रहा हूँ और ये आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। और जो लोग क्या है कि जिनके पास पहले से 3.17 का सेटअप था इंस्टॉल और वो पुराने वाले सेटअप को रिमूव कर दिया अपने कंप्यूटर से और दोबारा वो इंस्टॉल कर रहा है 3.18 को या किसी का कंप्यूटर फॉर्मेट किया हुआ है फॉर्मेट कंप्यूटर में वो इंस्टॉल कर रहा है तो उसका इंस्टॉल नहीं होगा, जो एरर दिखाया मैंने आपको उस तरह का इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आप पहले पुराना वाला सेटअप अगर आपने रिमूव कर दिया है गलती से तो पुराने वाला सेटअप को आप इंस्टॉल कर लीजिए कंप्यूटर में, फिर नए वाले वर्जन को आप इंस्टॉल कीजिए 3.18 को, आपका प्रॉब्लम जो 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो है अभी पुराना वाला को पहले इंस्टॉल किया था 3.17 को और उसके बाद मैंने 3.18 को मैंने इंस्टॉल किया, आप देख सकते हैं सेटअप जो खुल चुका है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और बता दूं कि कई लोगों का जो है प्रश्न है कि मेरिकल का जो नया सेटअप आया है जो डिजिटल लॉगिन एडिशन के नाम से आया है तो ये मेरिकल डिजिटल लॉगिन एडिशन क्या है, क्या हमको आईडी पासवर्ड मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं इसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो बना के देता हूँ कि मेरिकल डिजिटल लॉगिन एडिशन क्या है और किसके लिए है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।